हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने मोबाइल में दो दो व्हाट्सएप चलाना चाहते हो कुछ इस तरह से, तो आप सब सही वीडियो पे आए हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि इससे आप सभी को अपने मोबाइल में भी दो दो व्हाट्सएप चलानी है बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा किसी आप सभी को करनी है। एंड उससे पहले, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए, बिना समय के मैं आप सभी को बताता हूँ किसी आप सभी को अपने मोबाइल में भी दो दो व्हाट्सएप चलानी है। तो चलिए, बिना देरी किए मैं आप सभी को बताता हूँ। तो सिंपल सी, आप सभी को अपने मोबाइल में दो दो व्हाट्सएप चलाने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, सेटिंग को ओपन कर लेनी है अपने मोबाइल के। तो मैं यहाँ से अपने मोबाइल को सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग को ओपन करने के बाद आप सभी को कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाती है। तो सिंपल सी, आप सभी को क्या करना होगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप सभी को ऐप्स वाली ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी उस पर टच करके उसको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप सभी को यहाँ पर डुअल ऐप्स देखने को मिल रहा है, तो आप सभी को उस पर टच करके उसको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप सभी को यहाँ पर लेके आ जाएगी। तो यहाँ पर व्हाट्सअप लिखा है फर्स्ट नंबर में, तो आप सभी को उस पर टच करके यहाँ पर आ जानी है। यहाँ पर आने के बाद आप सभी को यहाँ पर ये वाली बटन, अगर आप में ऑफ होगा तो उसको ऑन कर दोगे तो बहुत ईजिली आप में दो व्हाट्सएप बन जाएगी। और अब बहुत ही इजीली आप अलग अलग नंबर से एक व्हाट्सएप को दो व्हाट्सएप बनाकर बहुत इजीली यूज कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।